हाय दोस्तों, आज मैं ये दिखाने वाला हूँ इसका लास्ट वाला सेशन, जिसमें चार प्राइमर प्लेयर लगने वाले हैं। और बहुत ही मुश्किल रहा है ये खेलने के लिए, पर अब देख सकते हैं अभी लोडिंग हो रहा है और ये मैच चालू हो गया है। उनका स्कोर है 3 और मेरा स्कोर है 0। मुझे जीतने के लिए कैसे भी करके 4 गोल मारने हैं। और आप जानते ही होंगे कि गेम में बहुत सारा चीटिंग होता है गेम की तरफ से, और ये रेफरीज उनका सपोर्ट देते हैं। हमारा खुद का गोल की कभी कभार बॉल नहीं पकड़ता है। ऐसे बहुत सारे आपको अनुभव आए रहेंगे, यहाँ तक कि अपने प्लेयर भी कभी कभार एक्स्ट्रा शूट मार देते, एक्स्ट्रा पास कर देते हैं हमारे पर। अभी ये गोल जाने वाला है, और ये देखिए, और ये मारा मैंने पहला गोल। ऐसा हो सकता है और होते ही रहते हैं। पर इसमें ट्रिक क्या, ट्रिक देखिए जितने की स्प्रिंट बटन खाली बॉल को छीनते वक्त करना है, और टीम का ऊपर जो टॉप राइट में जो है फंक्शन है, डिफेंस बैलेंस एंड अटैकिंग, उस पर हमेशा ध्यान देना है। बॉल अपने पास हो तो अटैकिंग मोड ऑन करके ही आगे जाना है, तभी अपने प्लेयर आगे जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं जाते हैं वो प्लेयर। इसमें दो चार बार चीटिंग भी हुई है, वो भी मैं आपको स्पॉट कराऊंगा कैसे होता है। अभी देखो धीरे धीरे वो प्लेयर आगे जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, और मैं पास दिया है उधर, और ये बच गया। इधर बॉल है उधर, उसके सामने आगे वाले प्लेयर रहते हैं उनके, तो ये कोशिश रहेंगी कि और बॉल अंदर जाए, ताकि और प्लेयर अंदर है, मेरा प्लेयर बाहर रहे, और ये मारूं मैं एक दूसरा गोल। हाँ, मजबूत गोल था ये, उस बंदे को लग के गया। मैं भी खुद हैरान था कि गोल गया कैसे, मैं खुद समझ नहीं पा रहा था गोल गया। पर ठीक है, आप उसको पॉज करके देख सकते हैं इसका रिप्ले में। गेम में स्लो मो नहीं है, तो मैंने भी वीडियो में स्लो मो नहीं बनाया। देखो उसको टच होके बॉल इधर आया है, और ये गोल गया है। अभी बहुत टाइम पास होगा थोड़ा आगे, पर इसमें मिस्टेक्स है, जो मिस्टेक्स मतलब चीटिंग से वो दिखा सकता हूँ मैं आपको। इधर बहुत सारे देख सकते हैं आप, देखिए बॉल तो छीन लिया गया मैं ऐसे, कोशिश करूंगा जाने की पर वो आगे नहीं भाग पाऊंगा। पर फिर भी देखो बॉल तो मैं छीन भी नहीं पा रहा था, पर फिर भी छीन लिया मैंने। चीटिंग करते देखो, अटैकिंग मोड ऑन हो गया है। जाऊंगा जाऊंगा, फिर भी अलग बॉल ले लेंगे मेरे से, कभी मैं ही उनको पास देता था, कभी क्या पता क्या हो जाता है। और ये बाय मिस्टेकली उनकी तरफ से गया है आउटसाइड, जो मुझे चांस मिला है एक और खेलने के लिए है, और ये मैं मारूंगा अभी आउटसाइड थ्रो। अभी पास दिया है, फिर भी मैं अभी भी नहीं मार पा रहा हूँ गोल। देखो इधर पास दिया, अभी चांस लेना है। 45 का टाइमर लग गया है, और टाइम पॉज हो गया है, तो मैंने कोशिश की पर बॉल वहां तक पहुंच नहीं पाया। मतलब ये ट्रिक नाकाम है, बेकार है खेलने के लिए। और आगे होने वाला है, ये मैंने पास दिया है। अभी देखो इधर का पास देखो, ये बंदा क्या क्या करता है ये। बस अब पास देखते जाओ, आपको पता चलेगा कैसा ये। देखो उसको पास दिया है इसने, नहीं उसको पास नहीं किया। जब थ्रो करता है तो बात अलग है, पास करता तो अपने प्लेयर के पास ही जाना चाहिए, पर नहीं गया हो। ये किया था कंप्यूटर ने चीटिंग, इसमें बहुत ही बड़ी मिस्टेक। इधर भी देखो बॉल मेरे पास नहीं आ रहा है, गोल की देखो क्या कर रहा है, और ये बॉल उसके टीम के तरफ से गलती हो गई। बॉल मारने के बजाय उसके टीम ने गलती से पास दिया, और मैं सोचा यही मेरा गोल्डन चांस है जीतने का, तो मैंने चालू किया अपने अटैकिंग मोड इधर, और ये आगे आगे बढ़ता रहा। फिर भी इधर गलती हो जाती है, एक देखो गलती नहीं हो जाती है, मेरा टीम मेट्स मतलब मेरा प्लेयर कहीं और पास कर देता है। क्यों करता है, कैसे करता है, कुछ पता नहीं मुझे। देखो अब इधर नहीं, ये देखो इधर भी नहीं आ रहा, पर इधर से मैं मिस कर दूंगा। इधर देख लो, और ये मारा शूट मिस। दूसरी गलती आपको पता चल जाएगी। इधर मैंने एक पता चला कि आपको इधर बहुत तेजी से दब मारना है, मतलब रेड बार पूरा होने, रेड तक पहुंचने तक पकड़ के रखना है होल, और फिर शूट करना है, तभी आपका गोल जाएगा, नहीं तो फिर ये लोग पकड़ लेंगे बीच में से।
और ये आपको पास दिखाऊंगा मैं, मेरे बंदे ने खुद ने पास किया था। देखो कोई बटन मेरा प्रेस नहीं हुआ है, ये देखो आगे, ये जो मैंने इसको पास दिया, इसने पता नहीं क्या किया बॉल को, अपने आप बॉल उसके पैर से निकल गया, ना बटन प्रेस हुआ है ना कुछ हुआ है। ये चीटिंग एक और किया है इस कंप्यूटर ने, और मैं उसे बॉल छीन लिया। फिर भी कोई नहीं, मैं बैलेंस मोड पे आया हूँ वापस बॉल छीनने के लिए, और ये बॉल मैं छीन लूँगा। अरे छीन लिया, अभी अटैकिंग मोड पे ऑन करूँगा वापस, और एक गया, और ये जीतने के लिए चला गया। धीरे 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 15 मिनट बचे खाली गेम में, इनका टाइम थोड़ा तेज़ी से चलता है तो चलना पड़ेगा उनके टाइम के हिसाब से। और ये कोशिश रहेगी कि मेरी कि आगे तक जाऊँ मैं, पर ये जाने नहीं दे रहे मुझे, और मैं लास्ट टाइम जैसे सोचा था वैसे फुल दबा के मारा है, और ये गोल गया है बुद्धि मेयर। ये बंदा बहुत घटिया प्लेयर है, गोल मारते टाइम मार देते गोल, पर इसके एरो से हमेशा बॉल छीना जाता है, पर इसका अच्छा ओवरऑल है मेरे टीम में है, इसलिए मैंने उसको रखा है। गोल मार लेता है, हेडिंग भी अच्छा कर लेता है कॉर्नर से, जब बॉल आती है इसकी तरफ, और लास्ट टाइम उसने नहीं किया था। और मैं सोचा था कि इधर मैं कर दूँ डिफेंडिंग और बाद में पेनल्टी शूट आउट तक पहुँचूँ, पर मैं बोला टाइम है तो क्यों ना मैं एक चांस ले लूँ, तो मैं चांस के पीछे भाग रहा हूँ धीरे 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 और धीरे। और ये कोशिश जारी, बंदे आगे नहीं जा रहे, इसलिए मैं बॉल और थोड़ा आगे ले रहा हूँ ताकि प्लेयर को चांस मिले, मेरे प्लेयर सामने रहे मेरे, और मौका मिले, और ये मौका आया है, और ये जाया बैंग। ये बहुत खुशी मिलती है मुझे ये देखते हुए कि सही जा रहा है। आखिर में बचे हैं 1.5 मिनट, 1.5 मिनट में बहुत है, कुछ बोल नहीं सकते भाई, रेफरी ज़्यादा टाइम भी दे सकता है, पता नहीं क्या होगा, इसलिए मैं डिफेंड करने की पूरी कोशिश, और लकीली सिर्फ 2 मिनट मिले और बॉल भी छीन लिया गया है, कि अपनी जीत कंफर्म हुई है, अपने को भागना नहीं है, बॉल देना नहीं है, और ये टाइम हुआ पूरा, इसी तरह जीता है मैं। आप देख सकते हैं 4-3, और यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, ऐसे बेलने पड़े, ये आपको आगे दिखाई देगा वीडियो ख़त्म होने के बाद, तभी मैं कुछ कमेंट्री नहीं करने वाला हूँ गेम के, बस आप देखते रहो, मजा लो कि मैंने क्या किया। सवाल तो है कि भाई एक अटैम्प में कैसा कम्प्लीट किया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक अटैम्प की बात नहीं है, आप आगे देख सकते हैं कि मेरे को एक्चुअल में कितने अटैम्प लगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको भी लगी कि ये भाई खेलते प्रो लोग होते फिर गेम से लेते कुछ मिलता है गेम से, और हार जीतने वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है भाई, हम भी स्ट्रगल करते हैं, हम भी प्रो नहीं है भाई, प्रैक्टिस से ही गेम बनता है, जब मेरा बन सकता है तो आपका भी बन सकता है, सब तो एक ही होता है, इसलिए आप आगे देख सकते हैं क्या हुआ था। धन्यवाद।